हम बनाएंगे लाल मिर्च और लहसुन की चटनी। ये राजस्थान की फेमस चटनी होती है। और देखिए, मैंने इसमें लहसुन की कलियां ली हैं। मैं इसे थोड़ी क्वांटिटी में ही बना रही हूँ, बिकॉज हम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी खाते हैं। ज्यादा खाने से ये गर्मी कर जाती है, तो इसलिए आप इसे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लीजिए, छाछ के साथ लीजिए तो ये बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी हमने ली है लाल मिर्च और लहसुन। इसको आप 15-20 मिनट पहले गर्म पानी में भिगो दीजिए, तो उससे जो है ये बिल्कुल नरम हो जाएगी, जैसे सिलवट्टे पे पीसते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट देगी ये। तो अभी मैं इसके बीज रिमूव करके और इसे भिगो रही हूँ। ये हमें 20 मिनट्स हो गए हैं इसे भीगे हुए, और ये देखिए गर्म पानी था ये, तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने इसमें घी जो डाल दिया है, अब मैं डाल रही हूँ जीरा। जीरा जैसे ही क्रैकर होने लग जाए इसमें आप हींग डाल दीजिएगा। मेरी मदर पहले इसे सिलवट्टे पे बनाती थी, बट अब जैसे हमसे सिलवट्टे का यूज़ इतना नहीं होता है, तो इसे मिक्सी में जब आप बनाएंगे ऐसे भिगो के, तो बिल्कुल वो इसी टाइप का लगेगा। जैसे ही ये ब्राउन होके क्रैकर होने लग जाए, इसका कलर और फ्रेग्रेंस आएगी उसमें प्रॉपर। तो हमने जो ये पीस लिया था अपना, तो इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, और फिर उसके बाद ये घी छोड़ देगा। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अब ये बिल्कुल रेडी है। आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है जैसे हम रायते में छोंक लगाते हैं, बिकॉज़ उसमें क्या है फिर वो अलग से टेस्ट आता है उसका। तो अब हम इसमें अपनी पिसी हुई चटनी डाल देंगे। वेरी डेंजरस, देखिए कितनी भाप अभी तक उठ रही है इसकी, मिर्च भी बहुत ज़्यादा है। अब हम इसे चलाते रहेंगे। कई जो है इसमें पीसते हुए ही उसमें नमक डाल देते हैं, बट मैंने इसमें नमक नहीं डाला था। तो अब जैसे आप नमक ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं उस अकॉर्डिंग डाल लीजिए। और बाकी इसमें कोई भी मसाला आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लहसुन और मिर्च का अपने आप में ही टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब इसे सिम गैस पे आप पकते रहने दीजिए। जैसे ये घी छोड़ देगी आपको पता लग जाएगा, और फिर आप इसको रिमूव करके और अपने दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए। और ये देखिए, आफ्टर 5-7 मिनट्स ही इसमें जो है अपना घी ऊपर की तरफ छोड़ दिया है, तो ये हमारी चटनी बनके रेडी हो गई है। इसको देखिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप मत खाइए, 1/4 स्पून इसकी बहुत होती है। और इसके साथ आप छाछ ले सकते हैं, बाजरे की रोटी के साथ खा सकते हैं, गेहूँ की, मक्के की किसी भी रोटी के साथ खाइए। ये बहुत ही लाजवाब टेस्ट देती है।